सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ए इज़ सम मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 by 3 है एंड बी इज़ ऑल्सो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 by 2 है, और बी एक मैट्रिक्स है जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं उसके एलिमेंट्स बी आई जे से, ठीक है। फाइंड करना है हमें B21 प्लस में B32, यानी कि हमें पहले बी ए मैट्रिक्स निकालनी है, उसके बाद जो इस लोकेशन पे एलिमेंट्स हैं उन दोनों का सम करना है, ठीक है। तो फटाफट देखिए, इससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि आप बी ए डिफाइंड भी है कि नहीं है। तो बी ए का बी का ऑर्डर कितना है, बी का ऑर्डर है 3 by 2 एंड ए का ऑर्डर है हमारे पास 2 by 3। तो क्लियरली इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू इसके नंबर ऑफ रोज हो रहे हैं, तो हमारे पास बी ए डिफाइंड होगा और जो फाइनल आंसर हमें मिलेगा वो 3 by 3 मैट्रिक्स का मिलेगा, ठीक है। तो फटाफट हम लोग बी ए को बना लेते हैं। तो बी ए मैट्रिक्स क्या बन जाएगी हमारे पास, बी ए मैट्रिक्स हमारे पास आएगी 2, 3, 4, 5, 2, 1 को मल्टीप्लाई करना है हमें 1 - 2 and 3 - 4, 2 and 5। मल्टीप्लीकेशन के बाद काफ़ी आसान है, आप लोग खुद भी कर सकते हैं इसको, फिर भी मैं करता हूँ आपके लिए। तो आपको पता है रो पिक करनी है पहली, फर्स्ट कॉलम पिक करना है यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2 into 1 is 2 प्लस -12 बिकॉज 3 into -4 इज इतना, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, तो नेक्स्ट एलिमेंट के लिए आप यहाँ पे आएंगे -4 and +6। नेक्स्ट आप आएंगे यहाँ पे 6 + 15, ओके 3 by 3 की मैट्रिक्स बनेगी ये वाली, ठीक है। तो 4 into 1 is 4 -20 एंड -8 + 10 एंड देन 12 + 25, उसके बाद हमें मिलेगा 2 - 4 - 4 + 2 and 6 + 5। सो अल्टीमेटली हमें बी ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स मिल चुके हैं। बी ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, तो वो होंगे -10, 2, 21 and -16, 2 and 37, then -2, -2 and 11। अब हमसे बात की गई है यहाँ पे B21 की और B32 की, सो B21 प्लस B32 कितने कितने हो जाएंगे। B21 का मतलब है सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम ये वाला एलिमेंट है हमारा, और 3-2 का मतलब है थर्ड रो और सेकंड एलिमेंट हमारा ये वाला है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -16 + -2, अल्टीमेटली वी कैन से -18 इसका आंसर है। सो ये क्वेश्चन पूछा गया था गुवाहाटी रीजन में और पटना रीजन में 2016 में। प्लीज़ क्वेश्चन को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।